हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, आज हम एनवायरनमेंट के कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म्स है जो एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। और इस क्लास में हम इकोटोन, इकोक्लाइन, एज इफेक्ट और होम रेंज, ये जो चार टर्म्स है, ये चार जो शब्दावलियां हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इकोलॉजी में आपसे पूछी जाती है, फर्स्ट पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ ज्योग्राफी के लिए तो आती ही आती है। तो इन सब टर्म्स को, इन जो शब्दावली है उनको समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आई होप आप सबके पास जो वॉइस है वो भी अच्छे से आ रही है और आपको ये टर्म्स भी है वो अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ मैं बता दूं कि अपना जो रिपब्लिक डे का जो ऑफर है वो चल रहा था, आप सभी बच्चों का अच्छा सहयोग हमें इसमें प्राप्त हुआ। इसी को देखते हुए और एक छोटी सी जो समस्या सभी बच्चों की आ रही थी, उन चीज़ों को देखते हुए इसे थोड़ा सा वह आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ वो समस्या की बात करूँ कि सर ये कूपन कोड है जो वो कहाँ पे अप्लाई होगा, एक ये समस्या आपके आ रही है। तो जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, उससे थोड़ा सा ऊपर वहाँ पे रिपब्लिक 75 नाम से कूपन लिखा हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है और आपकी रेट है वो 75% अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप बच्चे हैं वो ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं बहुत से बच्चे मुझे फोन करके बता रहे थे कि सर हो नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तब फिर मैं आपको ये बता देता हूँ। तो रिसर्चर बैच जो है वो अपना है जून के 2024 से, नेट जेआरएफ का अगर आपका सपना है या दिसंबर 2024 नेट जेआरएफ का सपना है तो उसके लिए आप रिसर्चर बैच है वो निश्चित रूप से आपको ज्वाइन करना चाहिए। एक तो इसमें वैलिडिटी आपको 1 ईयर की रहती है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ साथ इसमें आपको मिलेंगी ज्योग्राफी और पेपर वन दोनों की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी। साथ ही साथ इसमें ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो आपको होम डिलीवरी किए जाएंगे, पीडी हार्ड कॉपी के रूप में बुकलेट जो हमारी आती है 17 बुकलेट और एक पीवाईक्यू वाली बुक, सभी इसमें सम्मिलित है। और साथ ही साथ पेपर वन की जो क्लासेस हैं और पीडीएफ है, जो पेपर वन के नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगी। साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सभी कुछ अवेलेबल रहेगा। तो सभी दोस्त जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप ऐप देख सकते हैं और वहां पे आप बैच के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए या लाइव क्लासेस चाहिए ज्योग्राफी की, तो वो भी अवेलेबल है, नोट्स नहीं चाहिए। और अगर आपको स्कूल व्याख्याता का बैच ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस स्कूल व्याख्याता वाले बैच में आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सभी मिलेगा, 1 ईयर की वैलिडिटी है और इसमें 10 बुकलेट मिलती है जो कि कंप्लीट सिलेबस के अनुसार आपकी दी हुई है। ऐसा नहीं कि सिलेबस के बाहर पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जा रही है, जो जो टॉपिक सिलेबस में है वो सारे टॉपिक आपको उसमें मिलेंगे। उसके साथ ही साथ फर्स्ट पेपर का अगर आपको बैच ज्वाइन करना है ओनली, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पीवाईक्यू बुक नेट वाली चाहते हैं तो वो भी आप हमारे नंबर 7333998354 पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, डेमो पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है और आप इनको देखकर आप ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं मेन अपने मुद्दे पर, आज की इस सेशन पर। तो इस सेशन में चार जो शब्दावलियां हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये शब्दावलियां है क्या और समझाना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है और उस पारिस्थितिक तंत्र में, एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में हम जाते हैं तो उसमें बहुत सारे बदलाव भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो चारों शब्दावलियां हैं ये इन्हीं बदलावों को, इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करने का कार्य करती है और ये बताती है कि कैसे एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन आता है। तो सबसे पहली जो शब्दावली है वो शब्दावली अपने कौन सी है, इकोटोन। ठीक है, हम इसे इस तरह से समझते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र है, जैसे ये कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है, घास भूमि वाला है ना, और दूसरा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, पेड़ वाला है, वन वाला है। दोनों अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र है लेकिन एनवायरनमेंट में ऐसे दीवार तो नहीं खींची हुई ना कि जहाँ ये मेरे चाचा जी का प्लॉट है और ये मेरा प्लॉट है, तो ऐसे वो दीवार नहीं खींची हुई। यहाँ पे क्या है, सीमांत क्षेत्र है। जैसे ही जैसे मैं घास से आगे जाता हूँ तो घास वाला क्षेत्र है
वो ऐसे बोलता है, यहाँ पे थोड़ी सी घास आती है और थोड़े से पेड़ आने लग जाते हैं, और इधर मैं जाता हूँ तो पेड़ ज्यादा है घास कम है, और इधर घास ज्यादा है पेड़ कम है। तो एक ऐसा क्षेत्र बनता है इन दोनों के बीच में सीमाओं पर, जिसे अपन सीमांत क्षेत्र बोल सकते हैं, जिसमें घास और वन दोनों यानी पेड़ों दोनों की विशेषताएं उसमें हमें देखने को मिलती है, और यही क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है ये क्षेत्र आपका, इकोटोन कहलाता है, जिसमें दोनों की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यानी एक संक्रमण क्षेत्र होगा, ये कैसा क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र होता है, जहां दो पारिस्थिति तंत्र आपस में मिलते हैं। अब यहाँ पे पारिस्थिति तंत्र आपस में जब मिल रहे हैं, तो इस पारिस्थिति तंत्र में यानी इकोटोन में वन वाले भी आ सकते हैं, जीव जंतु प्राणी वनस्पतियां, और घास वाली वनस्पतियां जीव जंतु प्राणी आ सकते हैं, तो दोनों ही यहाँ पे आ सकते हैं। तो घास वाले से तो ज्यादा यहाँ पे मिलेंगे और वन वाले से भी ज्यादा, तो यहाँ पे प्रजातीय विविधताएं दोनों से ही ज्यादा हमें देखने को मिलती है। जैसे आप मैंग्रोव वन वाले क्षेत्र में देखो, तो वहां पे स्थलीय जीव जंतु वो भी आ सकते हैं और जलीय भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। ठीक है, उभयचर जिन्हें अपन नाम से जानते हैं, तो वहां पे प्रजाति विविधताएं हमें क्या देखने को मिलती है, ज्यादा देखने को मिलती है। और इकोटोन बनने का मुख्य कारण क्या है, पारिस्थितिक तंत्रों का स्पष्ट सीमांकन ना होना, बिल्कुल सीमा नहीं होती, ये क्या होते हैं, सीमांत वाले संक्रमण क्षेत्र होते हैं, और एक दूसरे की सीमाओं का क्या करते हैं, ये अतिक्रमण कर लेते हैं, दो इकोसिस्टम के अनुकूलन कर सकती है। यहाँ पे प्रजातियां ऐसी होती है जो दोनों में ही रह सकती है, जिस कारण यहाँ पे प्रजाति विविधताएं भी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, देखो ग्रासलैंड है इधर फॉरेस्ट है, दोनों का अतिक्रमण वाला जो एरिया, सॉरी, दोनों का जो अतिक्रमण वाला जो एरिया है, ये हमारा किस नाम से जाना जाता है, इकोटोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखो स्पीसीज है, इकोटोन है, तो ये लैंड वाली स्पीसीज है, ये इक्वेटिक वाली स्पीसीज है, यहाँ पे दोनों स्पीसीज हमें देखने को मिल रही है, ये इनका ट्रांजिशन जोन है, दलदली वैनग्रोव वनस्पतियों वाला क्षेत्र है, यहाँ पे दोनों तरह की स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, ज्यादा, एक्वेटिक में कम है लैंड में कम है, लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज ट्रांजिशन जोन संक्रमण वाले क्षेत्र में नंबर ऑफ स्पीसीज हमें ज्यादा देखने को मिलती है, और यही आपका इकोटोन कहलाता है, यही क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। इकोटोन को तनाव क्षेत्र भी बोलते हैं, है ना, टेंशन वाला जोन भी यह रहता है, तनाव क्षेत्र रहता है, संक्रमण क्षेत्र है, साथ ही साथ इकोटोन ऐसा क्षेत्र है ना जहां पे क्या होता है, कई बार इस क्षेत्र की प्रजाति इसमें आ सकती है, इस क्षेत्र की प्रजाति इसमें आ सकती है, और वो प्रजाति यहाँ पर रहकर इस तरह से अपने अंदर अनुकूलन कर लेती है, बदलाव अपने अंदर कर लेती है, जिस कारण वह प्रजाति इन दोनों ही प्रजातियों से अलग प्रजाति बन जाती है, और वो यहीं पर रहने वाली एक प्रजाति के रूप में हमें देखने को मिलती है, यानी नई प्रजातियां नई स्पीसीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यही एक इकोटोन की है वो स्पष्ट विशेषता होती है, तनाव क्षेत्र भी होता है, संक्रमिका में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो वहां के यानी आस पड़ोस के जो क्षेत्र है उनसे अलग भिन्नता रखते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, वो किस वजह से होता है, अनुक्रमण अनुकूलन के कारण यह विशेषता हमें देखने को मिलती है, और यही स्पष्ट आपके इकोटोन की विशेषता पाई जाती है। दोबारा से मैं बताऊं, इकोटोन ऐसा क्षेत्र जहां दो पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हैं, दोनों के मिलने वाला क्षेत्र जहां पे दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, ये संक्रमण क्षेत्र है, तनाव क्षेत्र है, और यहाँ पे दोनों ही प्रकार की दोनों ही इकोसिस्टम में रहने वाली प्रजातियां यहाँ पे देखने को मिलती है, और कई कई बार यहाँ पे ऐसी प्रजातियां भी मिल जाती है, किस वजह से, अनुकूलन की वजह से, जो सिर्फ इस क्षेत्र में ही पाई जाती, बिल्कुल स्पष्ट सिस्टम सा इसमें रहेगा, जैसे ये वाला इकोटोन आपका हो जाता है ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, तो बीच वाला आपका क्या रह जाएगा, इकोटोन। फिर आता है इकोक्लाइन, इकोक्लाइन क्या होता है, बहुत से क्षेत्र में हम देखते हैं कि अजैविक तत्व जो होते हैं, अजैविक तत्व जैसे आपके लवणता तापमान ऊंचाई गहराई, ये जो अजैविक तत्व है, इन अजैविक तत्वों की वजह से
बढ़ती या वनस्पति क्रम में या इन सब में इकोसिस्टम में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, यानी उनकी विशेषताएं बहुत जल्दी जल्दी चेंज हमें देखने को मिलती है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इको क्लाइम के रूप में जानते हैं, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ प्रजातियों की संरचना के संदर्भ में, प्रजातियों की संरचना के संदर्भ में दोनों के बीच एक अलग अवरोध की कमी के कारण एक पारिस्थितिक तंत्र का दूसरे में निरंतर बदलाव होता रहता है। ठीक है, इस अवधारणा को इस विशिष्ट भौगोलिक सीमा में प्रजाति की विशेषता के भौतिक रासायनिक परिभाषा के रूप में भिन्न हम कर सकते हैं। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि निरंतर जो अजैविक कारक है उसमें परिवर्तन होने की वजह से, तापमान, लवणता, इन सब में परिवर्तन होने की वजह से एक पारिस्थितिक तंत्र दूसरे पर, यहां हम देखो छोटे वृक्ष ग्रासलैंड से धीरे धीरे, तो इतनी तेजी से ये है वो बड़े वन क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो तेजी से जो परिवर्तन इनमें हो जाता है उसे ही हम इकोक्लाइन के रूप में जानते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम एज इफेक्ट पे, ये अलग सिस्टम है, यानी एज इफेक्ट और इकोटोन में क्या विशेषता है, क्या अंतर है। बहुत बार हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक इकोसिस्टम था वन वाला, दूसरा इकोसिस्टम है घास वाला। ठीक है, अब इस वन और घास वाले के बीच में जो इकोसिस्टम हमारे पास पाया जा रहा है वो संक्रमण क्षेत्र है, इकोटोन है। लेकिन ये इकोटोन इतना डेवलप हो जाता है, इसमें विशेषता इतनी डेवलप हो जाती है, इसमें विविधता इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये दोनों के बीच, दोनों से ही क्या हो जाता है, अलग क्षेत्र प्रतीत होने लगता है। तो ये एक एज इफेक्ट के रूप में कार्य करता है। इससे भी अच्छा अगर अपन एग्जाम्पल के रूप में समझे इसको, तो हम ऐसे समझते हैं कि एक पारिस्थिति तंत्र है, जैसे ये आपका खेत है गेहूं का, तो गेहूं ही आपने यहां पे लगा रखे, गेहूं ही आपने यहां पर लगा रखे। लेकिन एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से बचाने के लिए, कि यहाँ इस पारिस्थिति तंत्र को इस पारिस्थिति तंत्र से अलग करने के लिए आपने यहाँ पे नीम के पेड़ लगा दिए, तो ये जो नीम के पेड़ वाली जो आपने सीमा बनाई, जो क्षेत्र बनाया, वही आपका क्या है, एज इफेक्ट है। वही क्या कहलाता है, एज इफेक्ट आपका कहलाता है। एक एज बना दिया, एक आपने सीमा बना दी दोनों के बीच में। ठीक है, जिससे इस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं इसमें ना मिल पाए और इस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता इसमें ना मिल पाए। सामान्यतः हम ऐसा कब करते हैं, जैसे गेहूं के इस खेत में कोई बीमारी लगती है तो पूरे को ही बर्बाद करेगी, पूरे को ही खराब करेगी, तो उसको बचने के लिए हमने बीच में नीम के पेड़ लगा दिए। तो यहाँ के जो कीटाणु है, यहाँ के जो जीव है, वो जो बीमारी है वो इसमें ना जा पाए, ये है वो आपका सुरक्षित रहता है, तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते। चलिए देखते हैं, जब एक दो एक समान पारितंत्रों के मध्य अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है तो इन प्रजातियों को एज कहा जाता है। इसमें होने वाले प्रभाव को एज इफेक्ट कहा जाता है, और यहाँ पे रहने वाली जो प्रजाति है वो एज प्रजातियां कहलाती है, एज स्पीसीज कहलाती है। कोर भी बोलते हैं इसको, कोर प्रभाव हिंदी में। एज प्रजाति पारितंत्रिक समस्या को दूसरे में जाने से रोकती है। खेतों मेड़ों पर लगाए गए पेड़ इसका महत्वपूर्ण उदाहरण हम समझ सकते हैं। हवा से होने वाले अपरदन को भी यह रोकने का प्रयास करती है। सामान्यतः एज इफेक्ट में प्रजातियों की संख्या ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, अगर ये इकोटोन की वजह से डेवलप हो रहा है, इकोटोन अच्छे से डेवलप हो गया, पूरी तरह से डेवलप हो गया, सारी स्पीसीज ज्यादातर विशेषताएं इसकी क्या है, दोनों से अलग हो गई, तो ये एज इफेक्ट के रूप में कार्य करेगा, तो यहाँ पे प्रजातियां ज्यादा ही पाई जाएगी। ठीक है, जो दोनों को आपस में मिलने ही नहीं देता है। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में, जैसे ये देखो ये सिटी है और ये अपना फॉरेस्ट है, तो ये फॉरेस्ट का एज लास्ट सीमा हमें देखने को मिलती है, एज इफेक्ट ये है कहलाता है। या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे ग्रासलैंड है, इधर भी ग्रासलैंड है, और बीच में हमने एज इफेक्ट लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दी, हमने पेड़ लगा दी। या हम इसे बोल सकते हैं, इधर पेड़ है, इधर भी पेड़ है,
और बीच में हमने ओपन एरिया छोड़ दिया, रोड बना दी या गलियारा बना दिया, जिससे इस पेड़ में आग लगे, इस क्षेत्र में आग लगे तो वो आग है वो इधर ना जा पाए। ऐसा होता है, बहुत से जंगलों में बनाया जाता है ना, सरकार द्वारा ये चीजें अपनाई जाती, तो ये एज इफेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, दो आवासों की सीमा पर होने वाली जनसंख्या सामुदायिक संरचना में परिवर्तन को संदर्भित करता है। ठीक है, और इकोटोन के संदर्भ में, कभी कभी इकोटोन में भी ये प्रजातीय संख्या जब ज्यादा हो जाए तो ज्यादा हो जाती है, तो उससे भी कोर प्रभाव हमारा उत्पन्न होता है। ठीक है, और ऐसी प्रजातियों को एज स्पीसीज कहा जाता है। फिर आ जाते हैं हम लास्ट हमारे टर्म्स पर, जिसका नाम क्या है, होम रेंज या आवासीय परास या आवासीय सीमा। तो होम रेंज होता क्या है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां कोई जीव निवास करता है, रहता है और अपनी आवश्यकताओं के लिए संचरण करता है, यानी शेर की गुफा वाला जो क्षेत्र है वहां पे वो रहता है, और उस जंगल में वो उसका आवास क्षेत्र है जिसमें वो टहलता है, फिरता है आवश्यकताओं के लिए। ठीक है, यदि कोई प्रजाति, जैसे ये मेरी प्रजाति है, जैसे ये शेर है, ये शेर का एरिया है, इसी में वह रहता है, इसी में वह चलता है, अगर वो इसको उगाल के इधर आ जाता है, दूसरे वाले एरिया में आ जाता है, तो ये दूसरे के होम रेंज में चला गया। दूसरे के होम रेंज में जाने से, ये मान लीजिए दूसरा शेर का एरिया था तो इधर चला गया, तो यहाँ पे एक पहले से था, एक और आ गया, तो दो आ गए, दो आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, है ना। तो होम रेंज वो है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम जीवन जीते हैं, हम संचरण करते हैं। अगर हम हमारे होम रेंज आवासीय सीमा को उगाल कर पार कर कर दूसरे की आवासीय सीमा में जाते हैं, तो वैसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा बढ़ना स्वाभाविक है, और प्रतिस्पर्धा जब बढ़ती है तो हम आते हैं डार्विन वाले सिद्धांत पर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पर, और जो कौन जीतेगा, जो अच्छा होगा, जो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, जो बेहतरीन प्रजाति होगी दोनों में से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आती है, तो आवासीय सीमा का उल्लंघन करती है तो पारितंत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पारितंत्र का ऊर्जा का बजट है वो बिगड़ जाता है, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ने का, ऊर्जा बजट, ये किस में आता है, होम रेंज। तो होम रेंज हमने समझा, इकोटोन समझा, इकोक्लाइन समझा, एज इफेक्ट समझा, और उसके बाद में हमने समझा होम रेंज। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ये लास्ट लाइन है और बता देते हैं कि होम रेंज की अवधारणा 1943 में WH BERT ने दी थी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ये चारों टर्म्स है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है इनके बारे में, इन शब्दावलियों के बारे में। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना, क्या है इकोटोन, क्या है आपका इकोक्लाइन, यानी जल्दी जल्दी परिवर्तन, है ना, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक कारणों में परिवर्तन की वजह से पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताओं में जल्दी जल्दी परिवर्तन आना। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका कौन सा, एज इफेक्ट, और उसके बाद में हमने पढ़ा कौन सा, होम रेंज। ठीक है, साथ ही साथ जाते जाते फिर से मैं बता दूं कि जो आपका रिपब्लिक डे ऑफर है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको जो भी कोर्स परचेज करने में डाउट आ रहे हैं, इश्यू आ रहे हैं, बहुत से बच्चों ने कॉल किया है, बहुत से बच्चे मैंने देखा है मैसेज वगैरह ये कर रहे हैं। ठीक है, तो आप है वो मुझे 7333998354 पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।